अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद जब्बार। वेलकम टू दिस असद जब्बार फिटनेस चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए तीन वर्कआउट के टिप्स लेके आया हूँ जिससे आप मैक्सिमम मसल ग्रोथ कर सकते हैं। जैसा कि हम मूवीज या ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशंस कि कैसे दिनों में एक बेहतरीन किस्म की बॉडी बन जाती है, पर दर हकीकत ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। बल्कि जैसे जैसे हम मोर एक्सपीरियंस्ड और एडवांस होते जाते हैं, हमारी मसल ग्रोथ भी स्लो होती जाती है। जैसे कि रिसर्च के हिसाब से ये एक मॉडल तैयार किया गया है कि आप कितना मसल पर मंथ गेन कर सकते हो। बाय द वे, ये याद रखिएगा कि ये मैं लीन मसल की बात कर रहा हूँ, विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा फैट। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बिगिनर है जिसका वेट 60 kg है, तो ये एक मंथ में तकरीबन आधा किलो से 1 kg तक लीन गेन कर सकता है। पर शर्त ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और जैसे ही आप इंटरमीडिएट स्टेज पर आते हो तो प्रोग्रेस और स्लो डाउन हो जाती है। आप एक माह में तकरीबन 300 से 800 ग्राम, सिर्फ 300 से 800 ग्राम लीन मसल गेन कर सकते हो, और ये प्रोग्रेस और ज़्यादा स्लो होती जाती है जैसे ही आप एडवांस लेवल पे, जैसे ही आपको 2-3 साल ट्रेनिंग करते हुए हो जाते हैं, तो ये जो गेन है वो सिर्फ 200 से 400 ग्राम तक रह जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है ये, और ये प्रोग्रेस भी तब पॉसिबल है जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हों और अपनी वर्कआउट्स और न्यूट्रिशन को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हों, उसको बड़े अच्छे से आप देख रहे हों, आप लोगों को प्रॉपर टेक्निक का पता हो, आप लोगों को पता हो कि आपने कितनी अमाउंट का खाना है, तब जाके ये लीन गेन पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में एग्जैक्ट मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपने कैसे ट्रेनिंग करनी है ताकि आप अपने मसल को मैक्सिमाइज कर सकें, मैक्सिमम आप ग्रोथ कर सकें। तो मेरा जो पहला टिप है आज का, वो है अप्लाइंग प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब हम ओवरलोड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम की सारी प्लेट्स उठा लाएँ और पागलों की तरह लगाना शुरू कर दें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रॉपर तरीका मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अभी बेंच प्रेस की बात करते हैं कि आपने बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज है, उस पर अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है। तो हम यहाँ पे पहले एक रैप रेंज रखते हैं जो है 6 से 8 रैप रेंज, जो कि हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल गेन के लिए दी बेस्ट है। इसमें हमने अब अपनी स्ट्रेंथ भी, तो आप फर्स्ट वीक अगर पहले सेट में 70 kg लगा पाते हो 7 रैप्स के लिए, और इसी तरह जो बाकी के सेट हैं उसमें आप 6 से 7, किसी में 7 किसी में 6 रैप लगा पाते हो, और फर्स्ट वीक आपने अपना ऐसे करके सारा प्रोग्रेसिव को नोट डाउन कर लेना है। तो अगले वीक आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है, आपका ये गोल होना चाहिए कि आपने इससे ज़्यादा रैप्स लगाने हैं। जैसे लास्ट वीक में आपने 7 रैप्स लगाए थे, तो आपने इस बार कोशिश करनी है कि जो आपका रैप रेंज है वो मैक्सिमम को टच करे। जो हमारी मैक्सिमम हमारा गोल था, रेंज थी 8 रैप्स की, उसको आपने पहुंच जाना है। तो अगर आप नेक्स्ट वीक में सक्सेसफुली 8 रैप्स तक पहुंच जाते हैं, तो हम अब हमारा अगला टारगेट क्या है, अगले वीक हमने इसमें थोड़ा सा वेट ऐड करना है। तो आपने 2.5 से 5 किलो तक का वेट ओवरलोड कर लेना है, और इसी तरह हो सकता है कि आप लोगों के जो रैप्स हैं वो कम हो जाएँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको ऐसे ही अपने रैप्स को इंक्रीज़ करने की। जब आपने मैक्सिमम रैप्स तक पहुंच जाओगे, लाइक अगर आप 6 लगा पा रहे हो वेट इंक्रीज़ करने के बाद, तो आपने अगले वीक कोशिश करना है कि आपने इसको 8 रैप्स तक लेके जाना है। 8 रैप्स का जैसे ही हो जाता है, तो आपने उससे अगले वीक क्या करना है, फिर वेट इंक्रीज़ कर लेना है, और ऐसे ही आपने इस साइकिल को चलाते जाना है। एक हफ्ते आपने प्रोग्रेशन करनी है रैप रेंज में, और अगले हफ्ते आपने वेट में प्रोग्रेशन करनी है। तो इससे डेफिनेटली आप लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, जिसका मतलब है कि जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारा मसल गेन होगा। पर यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रेंथ गेन कर लें, अगर आपकी ट्रेनिंग का वॉल्यूम कम है तो आप मसल गेन नहीं कर सकते हो। और यही मेरा पॉइंट नंबर 2 है, मेक श्योर यू आर डूइंग इनफ वॉल्यूम। एक रिसर्च के मुताबिक जैसे आप नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते जाते हो, तो आपका मसल मास भी इंक्रीज होता जाता है, एज कंपेयर टू 4 to 6 सेट विद 1 सेट।
आप 80-85% मोर मसल गेन करते हो, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सभी एक्सरसाइज के 6-6 सेट लगाना स्टार्ट कर दो। आपका बेसिक गोल ये होना चाहिए कि आपने ईच एंड एवरी मसल को आपने 10 से 20 सेट, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, आपने हर मसल को कैसे 10 से 20 रेप्स देने, तो आपको ये मैं एक चेस्ट वर्कआउट का चार्ट दिखाता हूँ जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो है 12 लगा रहे हो। तो वीक बाय वीक आपने क्या करना है, आपने टोटल नंबर ऑफ सेट्स में एक सेट ऐड करते जाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने सभी एक्सरसाइज में एक एक सेट ऐड कर लिया, नहीं, आपने जो टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज हैं उसमें आपने एक सेट ऐड करते जाना है। तो आपने हर वर्कआउट में जो मिनिमम हमारा सेट रेंज है जो कि 10 है, वहाँ से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली इसे आपने 20 तक लेकर जाना है। और जो अगला टिप है, जो लास्ट टिप है आज का, वो ये है कि ट्रेन हार्ड इनफ। इस बात का ये मतलब हुआ कि आपने वर्कआउट करते हुए इंटेंसिटी को हाई रखना है, आपने कंप्लीट मसल फेलियर की तरफ नहीं जाना, स्पेशली बिग लिफ्ट्स में, कंपाउंड मूवमेंट्स में इसका ट्रेनिंग पर नेगेटिव इफेक्ट। और जब हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, एक दो रैप की भी हमारे अंदर गुंजाइश नहीं होती, मतलब टोटल मसल फेलियर तक चले जाते हैं, तो इसका क्या होता है कि हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और हमारी ट्रेनिंग वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने एक दो रैप्स जो हैं उसकी लिमिट रखनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चक्कर में कि एक आपने सिर्फ एक या दो रैप्स की गुंजाइश रखनी है, अपने टैंक में इतनी की जगह रखनी है और जो प्रॉपर फॉर्म को उसको मेंटेन रखना है। उसके अलावा जो हम गलती करते हैं, बाज़ दफ़ा वर्कआउट के दौरान हम बहुत लंबे लंबे रेस्ट मारते हैं और वर्कआउट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो हाइपरट्रॉफी के लिए, जो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट होनी चाहिए। और जो बहुत कॉमनली मैं गलतियां देखता हूं, जो बहुत कॉमन एक मिस्टेक देखता हूं जो जिम में लोग करते हैं, वो ये कि वो आपस में गपशप मारना शुरू कर देते हैं। भाई सिर्फ एक घंटा अच्छी ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद जितनी मर्जी बैठ के गप्पे मारो, कोई मसला नहीं है। Alright guys, this is all about today's video. Before we going, मैं आपको इसकी समरी बता दूं कि आज हमने क्या चीज़ें सीखी हैं। टिप नंबर 1 में हमने क्या सीखा है कि आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी कि एक हफ्ते में आपने सिंपल रेप्स को इंक्रीज़ करना है और अगले हफ्ते आपने वेट को इंक्रीज़ करना है। और जो सेकेंड टिप मैंने दिया था आपको, ओवरऑल वर्कआउट के वॉल्यूम पे भी फोकस करना है, यानी कि आपने नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते जाना है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपने वॉल्यूम भी इंक्रीज करते जाना है, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स भी इंक्रीज करते जाना है। जो लास्ट पॉइंट था हमारा वो ये था कि आपने ट्रेनिंग जो है वो हार्ड करनी है, उसमें आपने कोई नेगलिजेंसी नहीं करनी है, प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर टेंशन के साथ आपने सीखना है चीज़ों को, आपने वर्कआउट्स को सीखना है कि ये लगानी कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें, ग्रो स्ट्रॉन्ग, अल्लाह हाफिज़।